किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हर दिन इस कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं और साथ ही मिलवाते हैं एक सफल किसान से, जिनकी कहानी देख आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे खीरा, लौकी और तुरई की उन्नत किस्मों एवं उनकी वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही आपको मिलवाएंगे सफल बागवान शशिकांत माझी से। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। आज हम हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एडी मुंशी जी। डॉक्टर मुंशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर मुंशी आपसे जानेंगे, आज हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, खीरा, लौकी, तोरई, उनके बारे में, तो इनकी अच्छी किस्मों के बारे में जानना चाहेंगे और इनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए ज्योत्सना जी, खीरा, लौकी तथा तोरई एक कद्दू वर्गीय सब्जी या बेल वाली सब्जियों का एक मुख्य फसल है। इनको साधारणतः सिफारिश करते हैं कि या तो बसंत ग्रीष्म ऋतु यानी कि फरवरी के आखिर से मार्च के पहले हफ्ते में लगाया जाए, या तो बरसात में जून जुलाई में लगाया जाए। जहाँ तक रही आपके किस्मों के प्रश्न, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तथा बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत है या अंडर है, उन्हें कई उन्नत किस्में निकाल रखे हैं इन सब्जियों के। तो अगर तोरी की बात करें तो हमारे संस्थान ने तोरी के कई उन्नत किस्में निकाले हैं। जो पहला किस्म है हमारी पूसा नबीन जो है एक बहुत अच्छी किस्म है। ये बिल्कुल कैप्सूल के तरह होता है, ये एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी उपयुक्त है और इसकी उपज करीब 450 से 500 क्विंटल तक होती है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी नई किस्म है पूसा संतुष्टि, ये भी लंबी किस्म है। तो ग्राहकों के गोल लौकी को देखते हुए हमने निकाला है किस्म पूसा संदेश, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसकी उपज करीब 400 से 450 क्विंटल तक हो सकती है। हमने एक और किस्म निकाली जो कि ठंड के मौसम में भी बहुत अच्छा इसका जो है उपज देती है, हल्के ठंड में, जैसे पूसा संतुष्टि है। ये कमंडल आकार का है तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा हमारा एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जैसे सब्जी विज्ञान, भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी में है, उनकी एक शंकर किस्म है जो भी काफ़ी अच्छी है, उसका नाम है काशी बहार। इसके अलावा उनकी जो दूसरी जो किस्म है वो है काशी गंगा। इसी तरह नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी फैजाबाद ने भी कई किस्में निकाले हैं, जैसे एक है नरेंद्र रश्मि, दूसरी है नरेंद्र धाड़ीदार, तीसरी है नरेंद्र ज्योति या नरेंद्र शिशिर। ये कुछ अच्छे किस्म हैं जो कि किसान भाई ले रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इसका सीड चेन में भी है ये किस्में, और काफ़ी ज़्यादा इन बीजों की बिक्री हो रही है और किसान भाई इनको लगा के काफ़ी अधिक उपज ले रहे हैं। जहाँ तक खीरे की बात है, हमारी संस्था ने एक किस्म निकाली है पूसा उदय, देसी खीरा है। इसकी उपज भी काफ़ी अच्छी है और उसमें खासियत ये है कि इसमें देसी बनाने के कारण इसको ग्राहक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और किसान भाइयों को इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। अगर जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के जो हाइब्रिड्स हैं उनमें किसान भाइयों को उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन देसी खीरे में किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। और उत्तर भारत और हरियाणा के कई किसान जो है इसको, इस किस्म को, पूसा उदय को अपना लिया है और वो काफ़ी अच्छा आमदनी ले रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की एक किस्म है पंजाब नबीन, और पंत नगर के भी काफ़ी अच्छे किस्म है, जैसे पंत खीरा है, एक शंकर किस्म भी है पंत शंकर खीरा। जहाँ तक तोरी में आए, तोरी में दो तरह के किस्म होते हैं, एक तो चिकनी तोरी और एक दसदार तोरी। तो हमारे संस्थान ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चिकनी तोरी के दो किस्में निकाले हैं, एक तो पूसा सुप्रिया, ये पुरानी किस्में हैं, इसकी उपज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन ये हल्का हरा रंग है। तो किसान भाइयों की जो चाहत को देखते हमने दूसरी किस्म निकाली है पूसा स्नेहा, ये गहरा हरा रंग का है। इसमें खासियत है कि इसका छिलका मोटा होता है तो किसान भाई इसको दूर जगह में भी, कहीं भी जो भी मार्केट हो ये मंडी में, दूर मंडी में भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं पहुंचती फलों में। और इसकी दूसरी खासियत है कि ये काफ़ी गर्मियों में भी हो सकती है तथा बरसात में भी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने भी एक किस्म निकाली है, उसका नाम है काशी दिव्या। जहाँ तक नज़दार तोरी की किस्म है तो हमारे संस्था ने काफ़ी अच्छी किस्म निकाली है पूसा नूतन, काफ़ी लंबी है, उसकी उपज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, करीब 160 से 170 क्विंटल प्रति हेक्टर है। साथ साथ में कुछ और भी किस्म है, जैसे रांची की एक संस्था है, उन्होंने किस्म निकाली है जिसका नाम है स्वर्ण उपहार तथा स्वर्ण मंजरी, ये किस्म है। इसके अलावा गुजरात के, अगर किसान भाई कुछ जानकारी लेना चाहती है तो गुजरात में भी, गुजरात में जो संस्थान है आनंद ने, उन्होंने निकाला है आनंद रिजगोड एक, तथा उनका जो जूनागढ़ में जो संस्थान है उन्होंने निकाला है किस्म जिसका नाम है
जूनागढ़, रिजगोड़ एक। तो ये कुछ उन्नत किस्में जो कि किसान भाई ले रहे हैं और इससे काफ़ी अधिक ले रहे हैं, अधिक उपज ले रहे हैं, साथ साथ अधिक आमदनी भी ले रहे हैं। तो अभी हमारे कुछ किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कि तोरई, लौकी और खीरे की बुवाई कर ली है, लेकिन जो किसान भाई अब तक इनकी बुवाई नहीं कर पाए हैं, डॉक्टर मुंशी ने आपको उनकी उन्नत किस्में बताई हैं जिनसे आप बुवाई कर उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मुंशी, साथ ही आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि खेत की तैयारी जो है वो हमारे किसान किस प्रकार से करें और कौन कौन सी कृषि क्रियाएँ उनको करने की ज़रूरत है अभी। देखिए जोशना जी, जैसे मैंने पहले बताया है कि बसंत ग्रीष्म ऋतु यानी कि फरवरी के आखिर से मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक अगर आप लगाए या तो बुआई करें या तो रुपाई करें, तो ये एक एक बिल्कुल सही समय है खीरा लौकी तथा तोरी लगाने का। जैसे कि हम समय समय पे सुझाव देते रहते हैं कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत किसान भाई, जैसे कि हम मतलब सुझाव देते रहते हैं कि कम लागत के पॉली हाउस में बेमौसम में किसान भाई इन फसलों के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर जनवरी में उन्होंने पौध लगाया है पॉली हाउस में, तो फरवरी के आखिर या मार्च में पौध तैयार हो गया है और किसान भाइयों ने उसमें, हम यही सुझाव करते हैं कि आप प्लग ट्रे में लगाइए, प्लग ट्रे में पौध तैयार कीजिए और उसको रुपाई कर दीजिए खेत में। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब रुपाई करेंगे उससे पहले पॉली हाउस से ट्रे को निकाल के और उसको धूप में रख दें 2-3 दिन, उसमें पानी ना दें उसके बाद, क्योंकि ये एक इस प्रक्रिया को हम हार्डनिंग कहते हैं, ताकि पॉली हाउस के वातावरण से निकल के पौधा एकदम जो नॉर्मल वातावरण है बाहर के वातावरण में आ जाए और उसके बाद आप उसको रुपाई कर सकते हैं। जहाँ तक खेत तैयारी की प्रश्न है, देखिए ऐसा है कि खेत तैयार में पहले तो किसान भाई को जोत कर खेत को समतल करना चाहिए। इसके बाद हम हमेशा गर्मियों में जो प्रक्रिया है, जो पद्धति सुझाव करते हैं वो है नाली तथा थाल पद्धति, यानी कि किसान भाई पूरब से पश्चिम की तरफ नालियाँ बना ले और दो नालियों के बीच में जितनी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं और दो नालियों के बीच में कितनी दूरी रखनी है ये किसान भाई तय करेंगे कौन सा फसल ले रहे हैं। जैसे खीरे में, क्योंकि खीरा कम फैलता है तो उसमें करीब आप 1 से 1.5 मीटर तक की दूरी ले सकते हैं, लेकिन लौकी और जो तोरी है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, इसमें आप 3 से 4 मीटर की दूरी रखें एक मतलब नाली से दूसरी नाली में, और नाली के जो मेड़ है उसके साइड में आप थाल बना ले। थाल मतलब थोड़ा सा गहरा, करीब 3 या 4 इंच की गहरा अच्छी तरह वो गड्ढा बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा फ्यूरोन दे दीजिए हल्का एक मुट्ठी भर, और करीब एक थाल में करीब 3 से 4 ग्राम फ्यूरोन दे दीजिए और उसको अच्छी तरह मिला दीजिए मिट्टी के साथ, और उसमें 2 बीज हर एक में दे दीजिए। हर एक में 2 बीज देने के बाद, हाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखें, बुआई से पहले आप खेत में पर्याप्त नमी रहे और तब आप उसको बुआई करें। और दूसरी बात है कि आप बीज का उपचार करें। देखिए अभी शुरू शुरू में इसमें काफ़ी फफूंदीनाशक बीमारी आ सकती है, इसलिए इसके लिए आप बीज के लिए एक दवा है कैप्टान, ये करीब 2 ग्राम प्रति केजी बीज के प्रति केजी आप बीज के हिसाब से इसको उपचार करें और इसके बाद बुआई करें। और अगर आपने रुपाई कर दिया है तो जो भी पौधे हैं छोटे पौधे हैं इसमें भी आप कैप्टॉफ 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जड़ों को नहलाएं और उसके 1 हफ्ते बाद उसमें आप ब्लाइटॉक्स एक दवाई आती है कॉपर क्लोराइड तथा रिडोमोल गोल्ड, इसका 2 ग्राम 2 ग्राम मिला के करीब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इन दोनों का घोल बना के आप जड़ों को नहलाएं। जैसे जैसे पौधे निकल आए तो उस टाइम भी आप कैफ्टॉफ या ये ब्लाइटॉक्स या रिडोमोल गोल्ड इसके घोल बनाएंगे और जड़ों को छोटे पौधों को नहलाएंगे, ये पदगलन रोग से बचाता है। तो ये बात रही, बाकी रही कि आप खेत को साफ रखें, खेत में खरपतवार पनपने ना दें और कोशिश करें कि पानी जब ज़रूरत हो, जैसे अभी तो माहौल ठीक है, अभी आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो हर हफ्ते में 1 या 2 बार आप पानी ज़रूर दें। देखिए बीज उपचार के बाद मैंने कही, यहाँ मैं और भी कुछ जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि अभी थोड़ा बहुत विलम्ब हो गया है सोइंग में बुआई करने में, लेकिन अभी भी किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक इन सब्जियों का जो भी है फसल ले सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि जो भी आप आपके जो बीज है उसको आप पोटले में भर लीजिए, छोटे पोटले में, और उस पोटले को 1 या 2 दिन या 3 दिन जैसे भी हो उसको पानी में भिगो के रखें, साथ में उस पानी में आप 2 ग्राम कैप्टॉफ प्रति लीटर पानी में दे दीजिए और पानी में उसको भिगो के रखें और रात को निकाल के पोटली को टंगा दें। इसी तरह या 2 या 3 दिन बाद जब थोड़े थोड़े अंकुरण होने लगेगा उस बीज को आप सीधा बिजाई करें, तो इसमें क्या होगा आपका अंकुरण बहुत जल्दी हो जाएगा
और आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे आप कोई भी जो भी फसल के जो भी ऑपरेशन है जो भी आप सही ढंग से कर पाएंगे। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप भिगो के बीज को बोएं ताकि आप काफ़ी अच्छी फसल ले सकें। तो किसान साथियों, अभी आपने खेत में क्या तैयारी करनी है और क्या कृषि क्रियाएं आप कर सकते हैं उनके बारे में तमाम जानकारी हासिल की। डॉक्टर मुंशी, अभी आपने हमें थोड़ा बहुत बताया कि कौन सी फफूंदनाशक बीमारी का इसमें प्रकोप हो सकता है, इसमें विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ और कौन कौन से कीट जो हैं वो इन फसलों में लग सकते हैं और किसान भाई उनका नियंत्रण किस प्रकार करें जिससे फसल का जो है वो बचाव कर पाएँ। ज्योत्सना जी, टीवी चैनल के माध्यम में मैं हमेशा किसान भाई को यही सुझाव देता रहता हूं कि आप खेत को हमेशा साफ रखें, खरपतवार को नियंत्रण में रखें, क्योंकि खरपतवार में कई सारे कीड़े पनपते हैं जो कि आपके फसल को नुकसान कर सकती है। तो खेत को साफ रखें, पानी जमने ना दें और पानी का निकास का अच्छा प्रबंध रखें। जहाँ तक आप रोगों की बात कर रहे हैं कि शुरू शुरू में इसमें पदगलन रोग आ सकती है, मैंने बताया है, और पदगलन रोग आने से क्या होता है कि जड़ें गल जाती है और पौधे मर जाता है, और ये शुरू में आती है। तो इसके लिए अब जैसे मैंने बताया कि ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस ब्लाइटॉक्स 50 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा रिडोमिल गोल्ड 2-2 ग्राम प्रति लीटर के पानी में सबसे आप घोल बनाइए और पौधों को नहलाइए, पहली बात तो ये। फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आगे के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो आप जैसे 25 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाएगी तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, फ्यूजेरियम की उकटा रोग आ सकता है। तो उसके लिए आप कैफ्टाफ की जो दवाई है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब में इसे घोल बनाइए और इसका छिड़काव करें। इसके बाद खास करके लौकी में और खीरे में एक बीमारी आती है, बहुत छोटी सी बीमारी, लाल रंग का होता है, उसको हम कहते हैं कद्दू का लाल भृंग, या कभी कभी इसको कहते हैं कि रेड पम्पकिन बीटल। ये जो होते हैं, जब पौधे छोटे होते हैं तो ये पत्ते पूरे खा जाते हैं, तो ये अगर आपने शुरू की अवस्था में अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया इसका, तो फिर बहुत ज़्यादा ये नुकसान कर देता है, पौधे बिल्कुल रहते नहीं, पौधे को बिल्कुल खाली कर देता है। तो इसके लिए एक दवाई है मार्शल, ये दवाई है मार्शल, भाइयों याद रखिए मार्शल, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं और इसका छिड़काव करें, क्योंकि अभी जो है इससे ये आपको जो भी है ये लाल भृंग जो है इससे आपको निदान मिल जाएगी। तो आगे आगे और भी बीमारी आ सकती है, तो एहतियात के तौर पे आप कुछ ऐसे बीमारी होती है कुछ इसमें वायरस आ जाती है, इसमें फ्रूट फ्लाई आ जाती है, तो फ्रूट फ्लाई के लिए तो हम कहते हैं कि हमारे कीट विज्ञान विभाग ने ट्रैप निकाला हुआ है, फेरोमोन ट्रैप, तो वो दुकानों में भी मिलते हैं, तो दुकानों में आप ले लीजिए या तो हमारे कीट विज्ञान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप ट्रैप लगे, फेरोमोन ट्रैप लगे जिसमें जो भी फ्रूट फ्लाई है या फल छेदक मक्खियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वायरस के लिए आप शुरू की अवस्था में जब तक फल नहीं आए तो एक रिजेंट दवाई होती है विप्रोनिल, वो है एक्चुअल नेम उसका, रिजेंट जो है वो करीब 2 ml प्रति लीटर के पानी में आप घोल बना के इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसके 15 दिन के बाद दूसरी एक और कीटनाशक दवा एसिटामिप्रेट, इसको आप दे सकते हैं, इसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, करीब जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाएगा उसमें यूरिया का, अगर आपने पहले में यूरिया का खुराक दे दिया तो दूसरा खुराक यूरिया का वो भी आप जरूर डालिए, क्योंकि पौधे अगर स्वस्थ होंगे तो उसमें बीमारियाँ काफ़ी कम लगेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी बातें मैंने कही है, अगर आपने खेत को अच्छी तरह तैयारी की, सफाई रखी, निराई गुड़ाई की, साथ साथ कीटनाशक दवाइयाँ या फफूंदनाशक दवाइयों की जब भी ज़रूरत है वो आप देते रहे, तो आपको बहुत अधिक फसल मिलेगा, बहुत अधिक उपज मिलेगा तथा इससे आप बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं। या मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि जो भी जैसे भी आप यूरिया देंगे तो कुछ महीने बाद करीब, क्योंकि खीरा कम समय में होता है, करीब 40 से 50 दिन में ये तैयार हो जाता है, तो 30 दिन के बाद इसमें फूल आ जाते हैं, जब नर फूल आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें किसी भी तरह का उर्वरक का इस्तेमाल ना कीजिए। इसी तरह लौकी में भी और तोरी में भी, चिकनी तोरी और या नज़दार तोरी, ये जो भी किस्म है इसमें जो भी मैंने बताया था, लौकी हो चाहे जैसे खीरे में बहुत जल्दी फूल आ जाते हैं, करीब 25 दिन में फूल आ जाते हैं, इसी तरह लौकी में करीब 35 या 40 दिन में फूल आ जाते हैं, इसी तरह तोरी में भी करीब 40-45 दिन के बीच में फूल आ जाते हैं। तो फूल आ जाने के बाद आप किसी भी तरह का उर्वरक, खास करके यूरिया का उर्वरक ना करें, क्योंकि अगर इसमें आप करेंगे तो फसल की ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, उसमें मादा फूल जो होता है जो कि फल बनाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप एक बार जब फूल आ जाए तो किसी तरह का कोई भी यूरिया या कोई भी दूसरे उर्वरक का इस्तेमाल ना करें। और जब पौधे बड़े हो जाए, ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो जब फल आने लगे तो आप नीम ऑयल या नीम तेल करीब
10 से 15% नीम तेल, यानी कि करीब 100 से 150 ml प्रति लीटर के नीम का जो तेल होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और इससे भी आपको जो भी बीमारी है उससे आपको निदान मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ मैंने कहा आप इसको ध्यान रखेंगे और अधिक उपज लेंगे तथा अधिक आमदनी लेंगे। तो डॉक्टर मुंशी, इन तमाम जानकारियों के लिए और आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी हमने डॉक्टर मुंशी से तोरी, लौकी और खीरा से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की, अच्छी किस्मों के बारे में जाना, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है वो जाना, और साथ ही कौन सी बीमारियां, कौन से कीट उसमें लग सकते हैं और उनके नियंत्रण के बारे में तमाम विस्तार से जानकारियां हासिल की। किसान साथियों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सफल बागवान की दास्तां। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। साथियों, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है। आज हमारे बहुत से किसान फसलों की खेती या फिर पशुपालन कर सफलता हासिल कर रहे हैं। हमारे कुछ किसान पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं तो कुछ फूलों की खेती करते हैं, कुछ औषधीय पौधों की खेती करते हैं तो कुछ करते हैं बागवानी फसलों की खेती। ऐसे ही हमारे एक सफल बागवान है शशिकांत मांझी, आइए करते हैं उनसे मुलाकात। शशिकांत मांझी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी के बजाय कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। वे फल व सब्जियों की खेती करते हैं तथा भविष्य में पशुपालन व मत्स्य पालन भी करना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने खुद को नियोजित करने के साथ ही 15-16 अन्य लोगों को भी नियोजित किया है तथा वे अच्छी आर्थिक उन्नति करते हुए जीविका निर्वाह कर रहे हैं। मोर नाम शशिकांत मांझी, हमार गाँव टामसणा कटापल्ली जिला सम्बलपुर। मोर बापा जितने प्रथम से चाषी लोक चाष करते से मतलब चाषा शिखेन। मेरा नाम शशिकांत मांझी है, मैं ग्राम आमसड़ा कंटापाली ब्लॉक धनकौड़ा जिला संबलपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने 8-10 एकड़ जमीन में तथा आसपास के किसानों का भी कुछ जमीन लीज पर लेकर बागवानी करता हूँ। यूँ तो मैं 1997 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। स्नातक होने के बाद भी मैं नौकरी के पीछे नहीं भागा। मेरे बड़े भाई नौकरी कर रहे हैं। पढ़ने के बाद लोग जहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देखने लगते हैं, मेरे पिता जो खुद एक किसान हैं मुझे किसान बनने की प्रेरणा दी तथा खेती बाड़ी के गुर सिखाए। बागवानी में मैं मुख्य रूप से साग सब्जियों की खेती करता हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैंने धान की खेती बंद कर दी है। इसका कारण है धान की खेती में होने वाला अधिक खर्च तथा बिक्री में होने वाली असुविधा। कांटापाली बाजार होने के बाद भी धान की अभावी बिक्री होती है और किसान कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर होते हैं। जहां वर्ष में धान की खरीफ व डालुआ दो फसल होती है, वहीं मैं वर्ष में सब्जियों की 5 से 6 फसल उगाता हूं। मतलब पुराना कालिया चाषा से बंद कले भी हम खाबाटा बंद है कि ताकि कम करी। मैं ये नहीं कहता कि धान की खेती बंद कर देनी चाहिए। धान हमारा मुख्य आहार है और इसका उत्पादन आवश्यक है, पर कुछ स्थानों पर साग सब्जियों की खेती भी करनी चाहिए। मैंने अपने बगीचे में टमाटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी तथा अन्य अनेक सब्जियां लगा रखे हैं। मैं ब्रोकोली भी लगाया हूं। अंतर फसल के रूप में मैंने सरसों भी लगाया है। मैं सबसे पहले मूली लगाता हूं जो 1 महीने में तैयार हो जाता है। इस बीच मैं दूसरे स्थान पर फूल गोभी, बैंगन, बंद गोभी व टमाटर के चारे लगा देता हूँ। मूली बेचने के बाद भूमि में ट्रैक्टर चलाकर खाद डालता हूँ तथा फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन व टमाटर लगाता हूँ। इन फसलों के बाद बीन्स लगाता हूँ।
बीन्स खत्म होते ही गर्मियाँ आ जाती हैं तथा मैं खीरा, तरबूज, साग तथा गर्मियों में होने वाले अन्य सब्जियां लगाता हूं। इस तरह मैं वर्ष भर में सब्जियों की 5 से 6 फसल ले लेता हूं। जेन आम साइंटिस्ट गुड़ाक अच्छा से माने गोटे दिन आमको सब सलाह दौन गोटे दिन आमको सब कहते तुम परिवर्तन कर चाष पर टमाटो पर कोबी लग कोबी पर बीन्स लग अन्य फसल कहटा भल रोच आज्ञा। एक भूमि में बार बार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, इसलिए कृषि विज्ञानी हमेशा फसल को बदल बदल कर लगाने की सलाह देते हैं। मैं भी फसल को बदल बदल कर लगाता हूँ। मुझे कृषि व उद्यान विभाग से बड़ी सहायता मिली है। उचित मार्गदर्शन व तालीम के साथ साथ उनकी सहायता से मैंने अनेक कृषि सहायक यंत्र प्राप्त किए हैं। इनमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर तथा पावर वीडर प्रमुख हैं। मैं इनका उपयोग करता हूँ। जल सेचन के लिए मैं पंप द्वारा पावर चैनल से जल उठाता हूँ। वहाँ एक उद्वह सिंचाई एकक या लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट भी है, सरकार द्वारा यह लगाया गया है। मेरे बगीचे में जल का अभाव नहीं है। साग सब्जियों की बिक्री में मुझे कोई परेशानी नहीं है। बुरला व संबलपुर से व्यापारी मेरे खेत से सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। कभी कभी मैं ट्रैक्टर द्वारा भी सब्जियां बाजार ले जाकर बेच आता हूं। मैं अपने बगीचे में 15-16 लोगों को भी नियोजित किया है तथा कृषि कार्य में वे मेरी सहायता करते हैं। मैंने कभी उन्हें मजदूर नहीं समझा। मैं उन्हें अपना समकक्ष व सहकर्मी मानता हूँ तथा हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। बागवानी के आय से मैंने घर बनाया तथा कृषि उपकरण खरीदे। मुझे इस कार्य से काफ़ी लाभ है और मेरी आर्थिक उन्नति हुई है। मैं कृषि पर जितना खर्च करता हूँ उसका 3 से 4 गुना तक कमा लेता हूँ। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि खेती के काम से मैंने खुद को रोजगार देने के अलावा अन्य 15 से 16 लोगों को भी रोजगार दिया है तथा मैं स्वावलंबी हूँ, किसी के अधीन नहीं। गोटे लक्ष्यटे अच्छे डाली फसल पाई आर आगे मोर तो बहुत योजना अच्छे आज्ञा। मुझे गोटे गवर्नमेंट रू गोटे फार्मटे कर गोटे डायरी फार्म ले अप्लाई भी करी फिशरी रू भी अप्लाई करी बंधई माछ चाष करवार अच्छे। मेरी भविष्य में योजना है कि दलहन के उत्पादन में आगे आऊँ तथा गोपालन, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन के लिए भी मैंने आवेदन दिया है। आवश्यक सहायता मिलने पर एक आदर्श समन्वित कृषि क्षेत्र स्थापित करने की मेरी योजना है। अंत में अपने साथी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहूँगा कि कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार तलाशें तथा बदल बदल कर फसल लगाएं। इससे उन्हें अधिक लाभ होगा तथा उनकी भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। खेती उत्तम कार्य है, किसान देश का अन्नदाता है। मुझे अपने किसान होने पर गर्व है, आप भी किसान होने पर गर्व महसूस करें। तो साथियों, अभी आपने देखी शशिकांत मांझी की सफलता की कहानी और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको खीरा, लौकी और तोरई की अच्छी किस्मों के बारे में बताया और साथ ही बताया उनकी वैज्ञानिक खेती के बारे में। आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।